मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में विद्यालयों के सफल संचालन हेतु मंडल स्तर पर गठित मंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान मंडल आयुक्त रवि कुमार एनजी ने कहा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत एक वर्ष पूर्व से बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों एवं ऐसे अनाथ बच्चे जिनके अभिभावकों की कोरोना काल खंज में मृत्यु हो गई है उनको गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान करने हेतु ग्राम पिपरा विकास खंड सहजनवा गोरखपुर में अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वह विद्यालय नवोदय विद्यालय के तर्ज पर CBSE पैटर्न पर आधारित है जिसका शैक्षणिक सत्र 2023-24 से प्रारंभ हो जाएगा। वहीं इस अवसर पर उप श्रमायुक्त अमित कुमार मिश्रा ने कहा कि विद्यालय में कक्षा 6 के लिए 80 बच्चों के प्रवेश हेतु मंडल स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें केवल वही बच्चे प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिनका जन्म दिनांक 1 मई 2012 से 30 अप्रैल 2013 के मध्य हुआ हो तथा उनके माता पिता के पंजीयन को बोर्ड में 365 दिन पूर्ण हो चुका हो। प्रवेश परीक्षा हेतु जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा जनपद गोरखपुर हेतु 12, देवरिया हेतु 7, महाराजगंज हेतु 12 एवं कुशीनगर हेतु 11 विद्यालयों का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त कृष्ण कांत यादव, ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग योगेंद्र नाथ सिंह, नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्रा, बेसिक शिक्षा अधिकारी आर के सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक ईश्वर चंद्र सहित अन्य लोग मौजूद रहे। किसको वहाँ है खाली हम लोगों ने सब बरामदे को घेर के कमरा बनाया सर 2-3 कमरे बरामदे को नहीं बट यहाँ कमरा है तो देने में क्या दिक्कत है सर वो ऐसा है कि मतलब कि उनके पास जो कमरे हैं इवन सर हम लोग व्हीकल खड़ी करते हैं सर उसको भी घेर लेते हैं मतलब जैसे पट्टीदारी वाला सिस्टम है। आप जब गए थे सर तो बाहर गमले लगे हुए थे पाइप वाइप लगी हुई थी देखो हम लोग नोट कर लो बड़ी क्लिनिक के सामने बुला अगर जगह है तो दे दें।